94 में भी आपने फिल्में देखी, मगर अभी अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो चीज जो आप 94 में नहीं देख पाए। ऐसा क्या? ऐसा ही। आपने देखी फिल्म लाडला? लड़की है क्या? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? सॉरी सॉरी। इस एक सॉरी लफ्ज को तोते की तरह रटकर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो क्या? ये है श्रीदेवी, फिल्म लाडला की हीरोइन। मगर क्या आपको पता है कि पहले इस फिल्म में दिव्या भारती थी? तो देखिए लाडला के कुछ दृश्य दिव्या भारती के साथ। यानी 94 में आप जो देखने वाले थे मगर नहीं देख पाए। What is this भंडारी? कल का प्रोडक्शन 50 टर्न्स के बदले 49 टर्न्स कहते हुआ। वो क्या है मैडम, कल 5 मजदूर काम पे नहीं आए थे इसलिए। स्कूल के बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर 5 मजदूर नहीं आए थे तो उनकी जगह दूसरे 5 मजदूरों से ओवरटाइम क्यों नहीं करवाया? तुम लोग ये मत भूलो ये हिंदुस्तान की नंबर 1 फैक्ट्री है और मुझे फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। और इसकी पोजीशन डाउन करने वाले को हर किस माफ नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? You better understand. मेरे गुलाम तेरा कत्लेआम करूं क्या मैं बताऊं? सर को झुका के मुझे कर सलाम, तूने की है खता। मुझसे हजारों लड़के शादी करना चाहते हैं मगर मैं चाहती हूँ तो सिर्फ आपके बेटे को, इसलिए कि मेरी फैक्ट्री का वही पहला मजदूर है जो अपने मालिकों का दिया हुआ बोनस सूद समेत लौटाता है। वो मेरी मोहब्बत को नहीं समझता। लेकिन सुना है कि वो आपका लाडला है। आपकी किसी बात को नहीं टालता। मैं आपके बेटे को कितना चाहती हूँ इसी बात का यकीन दिलाने आई हूँ। अरे सारा खून बह जाएगा तुम्हारा। बह जाने दीजिए, मैं जब आप ही के घर में आपके सामने अपना दम तोड़ दूंगी तब आपको एहसास होगा कि आपके बेटे को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता। नहीं नहीं बेटी, ये क्या पागलपन है? तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरी गाड़ी को छुआ कैसे? आपको करीब आते देखकर मैं समझा था आप मुझसे नारायण का हाल पूछेंगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैडम, सड़क पर भी कोई हादसा हो जाता है तो एक पराया आदमी जख्मी को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल पहुंचाता था, और फिर नारायण तो आपका मजदूर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो जवाब ये है कि नारायण को फौरन अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। एम्बुलेंस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया? एम्बुलेंस का इंतजार करता तो उसका हाथ काटना पड़ता। उसके एक हाथ कट जाने से हमारी फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती। बिना हाथ के वो कहाँ नौकरी करता? उसके बाल बच्चे सड़क पर आ जाते। उसके बच्चों के लिए हम 1 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दे देते। और वह 1 लाख रुपए कितने दिन चलता? हाथ का पैसों के साथ सौदा मत कीजिए मैडम, आप शायद नहीं जानती बेजान हाथ की जिंदगी कितनी मोहताज हो जाती है। शट अप, अपनी हद मत भूलो। तुम ना ही मेरी फैक्ट्री की यूनियन लीडर हो और ना मेरे एडवाइजर। यू आर डिसमिस्ड। Understand? You better understand.